रिलैक्स मेजर, गोली मत चलाना। 12 अक्टूबर की यादें। वैसे तो पाकिस्तान की बड़ी फौज ने जनरल मुशर्रफ परवेज़ मुशर्रफ की क़्यादत में 12 अक्टूबर की शाम वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था, लेकिन इस हुकूमत में शामिल बाज़ अहम रहनुमाओं का कहना है कि उन्हें कई हफ्ते पहले ऐसी इत्तला मिल चुकी थी कि फौजी सरबरा ने हुकूमत पर कब्ज़ा करने की मनसूबाबंदी कर ली है। इनमें से एक वाक़या 14 सितंबर 1999 का है, जिसकी तफसील इस वक्त के नवाज शरीफ काबीना के अहम तरीन रुकन और वज़ीर इत्तला मुशाहिद हुसैन ने BBC को बताई है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मुतअद्दिद वुज़रा, जिनमें मुशाहिद हुसैन सैयद ख़ुद भी शामिल थे, और दीगर हकाम के हमरा स्कर्दू गए, जहां उन्हें लेने के लिए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और फ़ौज के आला कमांड के अफसरान मौजूद थे। मुशाहिद हुसैन के मुताबिक वहीं तय हुआ कि शाम को महफिल मुनक्किद होगी, जिसमें पुराने गाने गाए और सुने जाएंगे। इसी खुशगवार माहौल के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इनके साथ मौजूद फ़ौज के दीगर अफसरान ने नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने नोट किया कि रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, जिनके तहत शुमाली इलाका जात में आते थे, वहाँ मौजूद नहीं थे। वो कहते हैं कि इस मौके पर उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पूछा कि जनरल महमूद कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो रावलपिंडी में मसरूफियात के बिना पर नहीं आ सके। मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि अमूमन ऐसा नहीं होता। उस वक्त ये वाज़े हो गया कि हुकूमत का तख्ता उलटने की तमाम तर प्लानिंग हो चुकी थी, और अगर स्कर्दू में किसी वजह से बात बिगड़ जाती और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ़्तार कर लिया जाता, तो मुतबादिल प्लान पिंडी से बगावत करने का था। मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि सितंबर 1999 के दौरान वज़ीर आज़म हाउस का गार्ड भी तब्दील कर दिया गया और 111 ब्रिगेडियर, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि किसी भी किस्म की फौजी बगावत के दौरान ये ब्रिगेड सबसे पहले हाजिर होती है, इसका कमांडर तब्दील कर दिया गया। वो मज़ीद बताते हैं कि अगस्त के अवाखिर और सितंबर के अवाइल में चंद सियासी और समाजी कारकुनान, जिनमें इंसानी हकूक़ के कारकुनान और वकला भी शामिल थे, से मुबीना तौर पर पाकिस्तान की अफवाज और मुंसलिक अहलकारों ने बात की, और इस दौरान इन्हें बताया गया कि हुकूमत जाने वाली है और क्या आप नई हुकूमत में बतौर वज़ीर शामिल होना पसंद करेंगे। मुशाहिद हुसैन के मुताबिक दोनों तरफ से तैयारी मुकम्मल थी और मियां नवाज शरीफ को भी समझ आ चुका था कि मौजूदा हालात में गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन इंतज़ार इस बात का नहीं कि पहल कौन करेगा। साबिक फौजी सरबरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस तासुर की तरदीद करते रहे हैं कि उन्होंने किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नवाज शरीफ को इक्तदार से अलहदा किया। वो हमेशा यही कहते रहे कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ौज ने एक अदारे के तौर पर एक्शन लिया था, और इसकी वजह अपने सरबरा की गैर मुनसफाना और गैर शफाफ बदतरफी की कोशिश थी। फौजी बगावत कैसे हुई? 12 अक्टूबर 1999 के रोज़ BBC के इस वक्त के नामा निगार जफ़र अब्बास इस्लामाबाद से छुट्टियां लेकर कराची आए हुए थे। वो बताते हैं कि मैं कराची में बैठा खबरें सुन रहा था, और ख़बरें सुनते हुए ये बात सामने आई कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ये फ़ैसला किया है कि जनरल मुशर्रफ को इनके अहदे से हटा दिया जाए और इनकी जगह इस वक्त के ISI के सरबरा जनरल ज़ियाउद्दीन को फ़ौज का सरबरा बना दिया जाए। अभी अपने तौर पर भी खासी बड़ी खबर थी, और इस वक्त मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैं इस वक्त क्यों छुट्टी पर हूँ। जफर अब्बास के मुताबिक थोड़ी देर बाद सरकारी नशरियाती चैनल यानी पाकिस्तानी टेलीविज़न की नशरियात बंद हो गई और एक ऐलान चलने लगा कि थोड़ी देर बाद सर्विस बहाल हो जाएगी। वो कहते हैं कि सहाफ़ी होने के नाते मुझे अंदाज़ा हुआ कि गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने साथी और सहाफ़ी अदरीस बख्तियार से रब्ता किया और हम दोनों ने तय किया कि फौरी तौर पर कराची से मालूमात इकट्ठी की जाए। उसी वक्त हमें पता चला कि जनरल मुशर्रफ कोलंबो से कराची वापस आ रहे हैं, लिहाजा हम दोनों ने तय किया कि कराची एयरपोर्ट जाना चाहिए।
जफर अब्बास के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर भी सूरत हाल वाजे नहीं हुई। ये समझ में नहीं आ रहा था कि नवाज शरीफ इंचार्ज हैं या फौज। तहम इतना अंदाज़ा हो गया था कि फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान शदीद किस्म का तनाव है। वो कहते हैं कि इसी दौरान मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें भी गर्दिश कर रही थीं। इसी दौरान हालात को बेहतर करने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ को फौज का के सरबराह के अलावा चेयरमैन जॉइंट स्टाफ ऑफ आईडीपीट जनरल परवेज मुशर्रफ को फौज के सरबराह के अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी बना दिया गया, जिसे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद हालात बेहतर हों। लेकिन कशीदगी की सूरत हाल ऐसी थी कि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि शायद इसका कोई हल ना निकल पाए। जफर अब्बास कहते हैं कि फिर जब 12 अक्टूबर का वाक़या हुआ तो तमाम बातें खुलकर सामने आ गईं कि एक तरफ नवाज शरीफ ने गालबन ये तय कर लिया था कि वो फ़ौज के सरबराह को हटा देंगे, और इसके रद्दअमल में पाकिस्तान की फ़ौज ने जनरल मुशर्रफ के मुल्क में ना होने के बावजूद टेक ओवर का फ़ैसला कर लिया था। उन्होंने बताया कि इससे ये वाज़ह हो गया था कि फ़ौज ने भी तय कर लिया था कि अगर नवाज शरीफ कोई कदम उठाए या उठाते हैं तो उसके नतीजे में चाहे जनरल मुशर्रफ मुल्क में हो या ना हो, इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। रिलैक्स मेजर, गोली मत चलाना। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, 12 अक्टूबर की शाम 7 बजे मैं अपनी अहलिया और बच्चों के साथ खाना खा रहा था। 7:05 पर मुझे ऑपरेटर का फ़ोन आया और उसने कहा कि फ़ौज आ गई है। वो बताते हैं कि इसी वक्त मुझे ये भी पता चला कि मेरे घर आने से पहले वज़ीर आज़म हाउस का मुहासरा किया जा चुका है। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, मेरे घर के शीशे और दरवाजे तोड़े गए। मैं ऊपर की मंजिल पर था, बूटों की आवाज़ आई और मैं समझ गया कि फ़ौजी बगावत हो चुकी है। अब ऐसी सूरत हाल में शुरू के चंद लम्हात बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि घबराहट फैल चुकी होती है और खौफ भी तारी होता है। एक मेजर सामने आया और इसने असला निकाला हुआ था। मैंने उन्हें कहा, रिलैक्स मेजर, यहाँ किसी के पास असला नहीं है, गोली मत चलाना। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, उन्हें डर था कि इनके घर वालों के सामने गोलियाँ ना चलना शुरू हो जाएँ। मेजर ने उन्हें इसी आराम से जवाब दिया, सर वी हैव टेकन ओवर, आप आराम से बैठ जाएं। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, मैंने फिर इन्हें बताया कि मैं अपने घर वालों के साथ खाना खा रहा हूं, आप ड्राइंग रूम में बैठ जाएं। इस वक्त मेरी अहलिया को ये फिक्र थी कि ये लोग ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहे हैं, तो उन्होंने एक दो को डांटते हुए कहा कि ये स्मोकिंग एरिया नहीं है, यहाँ सिगरेट ना पिए। मुशाहिद हुसैन का दावा है कि इस वक्त मिनिस्टर्स कलोनी में और भी वजीर थे, लेकिन इनके घर फौज नहीं गई, जिसके बाद उन्हें ये भी पता चला कि पीटीवी का भी मुहासरा किया जा चुका है। आइन जिस्म का हिस्सा। इस दौरान जहां लाहौर में लोगों की परेशानी में इजाफा होता रहा, वहीं डॉन अखबार में 13 अक्टूबर को शाया होने वाली खबर के मुताबिक लोग एक दूसरे से पूछते नजर आए कि शहर में क्या हो रहा है। इसी तरह कई हुकूमती इमारतों के बाहर लोग हजूम की शक्ल में नजर आए ताकि किसी तरह ये जान सके कि मुल्क किसके हाथ में है। तमाम तर बातें सामने आ गईं, तो इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने GHQ में अपने कोर कमांडर से ख़ताब किया। 17 अक्टूबर को कोर कमांडर से ख़ताब करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैं दो काम कर सकता था, या तो मैं पूरा जिस्म ख़त्म कर दूँ या फिर जिस्म का सिर्फ एक अज़ू ख़त्म करूँ। कौम जिस्म है और आइन जिस्म का एक अज़ू, लेकिन मैंने आइन को रद्द किया। अक्टूबर 1999 की फ़ौज बगावत पर लिखी गई किताब बेनिलाम तलवारों में मुसन्निफ शाहनवाज ने इस खिताब का तस्करा किया। नवाज शरीफ 2.0। शाहनवाज ने BBC से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अपने करीबी लोगों के साथ किचन का बीना बनाकर जैसे हुकूमत चलाते रहे हैं, अब अपनी जमात में भी वैसे ही चला रहे हैं। वो ही चार प्यारे पहले भी थे और आज भी हैं, मुझे इनमें कोई ख़ास तब्दीली देखने में नहीं आई। जबकि तज़िया निगार सुहेल वराइच के मुताबिक पहले के मुकाबले में नवाज शरीफ में ख़ासी तब्दीली आई है, और इनका यह मुतालबा कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करें आइन के ऐन मुताबिक है। उनका कहना था, गुज़िश्ता अदवार में भी हमने देखा कि सन 2013 से लेकर इनके दौरे हुकूमत के अवाखिर तक
फौज और इनके दरमियान जारी चपकलिश और इख्तलाफात में कमी नहीं आई, लिहाजा फौज के बारे में इनके नुक्ता नज़र में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। इस हवाले से मुशाहिद हुसैन का कहना है कि इस वक्त वो अपने यानी नवाज शरीफ रवायती सियासत और रवायती सियासतदानों में से भी थे। सन 1981 में जो लोग उन्हें सरकारी या इस्टेब्लिशमेंट रहनुमा या ज़िया की बाकियात कहते थे, अब वो तासुर भी बहुत हद तक बदल गया है। लेकिन इसी 2013 के दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान में नवाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने सूबे में पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदारी सी